बन के बिल्कुल रेडी हो गया है और मैंने इसका फिटिंग भी असेंबल कर दिया है। हेलो गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज मैं आपको बताऊंगा बेड का हाइड्रोलिक जो फिटिंग होता है वो कैसे किया जाता है और उसका मेजर कितना होता है। तो ये हमारा बेड है, 6x6 का है। बेड का ऊपरी वाला हिस्सा है जो आप देख रहे हैं, ये बन के रेडी हो गया है। अभी मैं इसके बारे में बताऊंगा, ये कैसे मेजर लिया जाता है, कैसे सेटिंग किया जाता है। तो जैसे ये हमारा फिटिंग है, ये हमारा एक फिटिंग है राइट साइड का, बैक से राइट साइड, फ्रंट से लेफ्ट साइड। ये हो गया फिटिंग आपका, फ्रंट से राइट साइड का फिटिंग हो गया। तो सबसे पहले क्या करना होता है कि हमें टेप की मदद से ये चीज़ देखना होता है कितना इंच है। जैसे देख रहे हैं, यहाँ जितना होना चाहिए उतना ही दूसरे सिरे पे मेजर आना चाहिए। जैसे मान लीजिए 4 इंच आधा सूत है, तो इधर भी 4 इंच आधा सूत ही आना चाहिए, ठीक है। ये एक चौड़ हिसाब है, जो भी चौड़ाई है उसका चौड़ाई यहाँ से अभी सेम होना चाहिए। उसके बाद हम स्क्रू की मदद से इसको टाइट करेंगे। सेम दूसरा वाला हिस्सा जो है, जो ये रखी है, उसको भी वहाँ टाइट करेंगे। टाइट करने के बाद में उसके बाद से ये हमारी पंप है, ये हमारे हाइड्रोलिक पंप है। आप अपने वेट के हिसाब से लगा सकते हैं, ये 120 kg का है। आप चाहे तो अगर ज़्यादा मेट्रेस है, 8 इंच है, तो 180 kg का लगा सकते हैं। और इसके बाद में आपको अभी मैं फिटिंग करके इसको पूरा दिखाता हूँ कैसे फिटिंग होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरा बेड का फिटिंग लग के बिल्कुल रेडी हो गया है। इसको मैंने असेंबल कर दिया है जैसा कि मैं आपको साइज बताया था। ये देखिए, कुछ इस तरह से फिटिंग होता है आपको। तो मैं थोड़ा पीछे से दिखाता हूँ आपको साइज इसका। बेड उठने के बाद बैक साइड में कुछ इतना गैप हो जाएगा, लगभग 5 इंच 6 इंच करीब में। तो हमारा जो भी मैट्रेस होता है वॉल साइड में टच नहीं होगा। और जब भी आप फिटिंग करें, जैसे मैंने आप ये फिटिंग किया है, मैं दिखाना चाहूँगा इसका जो फिटिंग है, यहाँ से ले करके यहाँ तक की दूरी कम से कम 20 सेंटीमीटर होना चाहिए। और ऊपर से लेकर नीचे तक का कम से कम 4 इंची होना चाहिए, तब जा करके आपका बिल्कुल। हालांकि एक एफओ कंपनी का है, हो सकता है अलग अलग कंपनियों में अलग अलग साइज आती हो, उसके हिसाब से आप देख सकते हैं। लेकिन बैक साइड से आप 8 इंच छोड़ सकते हैं नॉर्मली जो आपका कंपनी का आता है। तो इस तरह से आप जब भी बेड बनाएं, चाहे जो भी साइज हो, आप इस तरह से फिटिंग कर सकते हैं। मेरा डेप्थ तो कम से कम 1 फीट है। अभी देखिए, जो मेरा डिप्थ है यहाँ से यहाँ तक का मेरा 1 फीट का। ज़्यादा मैंने रखा हूँ क्योंकि मैट्रेस 8 इंच का है। तो अभी मैं इसको नीचे गिराता हूँ, ये मेरा नीचे आ गया जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये मेरा बेड का साइज है 6.25 फीट लंबा, 6 फीट चौड़ा अंदर अंदर साइज। और ये मैंने जो बैक साइड में जगह छोड़ रखी है, इससे ये फ़ायदा होता है जब भी हम बेड को उठाते हैं ऊपर की तरफ, तो ये वॉल साइड में टच ना हो,
उसका मैट्रेस, इसके लिए मैंने ऐसा छोड़ रखा है। हालांकि छोड़ना चाहिए ये, तो टच करेंगे तो जाकर मैट्रेस में टच हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा बेड, देख सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, और इस तरह से हम आपके लिए वीडियो और बना के लाते रहेंगे नए नए आइडिया के साथ में। सो धन्यवाद।